दो बार लगातार टलता चला गया। और रक्षा मंत्री जब देहरादून आए थे विजयदशमी के पर्व पर, तो सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी बोले कि साहब रक्षा मंत्री जी के सामने कि आप अब की बार आप मना मत करिएगा, हमने आपका फिर से वहां कार्यक्रम लगा दिया है। मैं इस बार फिर से जैसे ही उन्होंने कार्यक्रम लगाया मैं सागर गया, और सच में वो 2 दिन जो मैंने वहां महार रेजिमेंट सेंटर में बिताए, वो मैं बचपन में चूंकि वहां रहा था, सेना के साथ जो जुड़ाव था, लगाव था, वो सारा बहुत नजदीक से महसूस किया, बहुत नजदीक से देखा। और सैनिकों के भी मन में ऐसा लग रहा था, जब मैं वहां गया तो रात तक 11 बजे तक उनके साथ, दिन में मैं गया बार मेमोरियल ले गए, उसके बाद म्यूजियम में ले गए, फिर उन्होंने सैनिक सम्मेलन किया, फिर उसके बाद चाय पानी का किया, फिर रात को उन्होंने भोजन का किया, बड़ा खाना भी किया। तो ऐसा करते करते जब 11 बजे तक मैं वहां रहा, तो हर समय मेरे मन में जो है जनरल रावत साहब आ रहे थे, क्योंकि उसके सूत्रधार वही थे कि मुझे वहां जाना चाहिए। और जब मैं पूरे सेंटर में रात को 1 घंटा 1.5 घंटा में घूमने चला गया, तो जगह जगह जो हमारे सेना के जवान संतरी के रूप में लगे थे, तो इतनी आत्मीयता से हर जगह बोल रहे थे जय हिंद सर, जय हिंद सर, जैसे कि उनके घर का ही कोई बेटा भाई उनके बीच में आया हो। अपने आप को जो है बहुत ही अत्यधिक स्नेह उनका मैंने वहां देखा, तो जनरल साहब की याद आई। जनरल साहब के बहुत सारे सपने थे। जनरल साहब केवल उत्तराखंड में, जैसा महेंद्र जी ने कहा कि पैदा जरूर यहां हुए थे, लेकिन वो राष्ट्र गौरव पूरे देश के अंदर जो जज्बा, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता, और सेना को लगातार जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले दिनों जब अग्निवीर योजना भारत सरकार ने लॉन्च करी, तो उसके बारे में उन्होंने पहले से ही उनके विचार थे कि सेना केवल तनख्वाह लेने का माध्यम नहीं है, ये सैलरी लेना है, ये जहां अनुशासन सिखाती है, देशभक्ति सिखाती है, जीवन जीने का एक जो पाठ होता है, अनुशासित जीवन, व्यवस्थित जीवन, वह भी सेना सिखाती है। नए विचार मन में, देशभक्ति के विचार, राष्ट्रभक्ति के विचार, समाज जीवन के विचार, सारे जीव विचारों को डालने का काम भी सेना करती है। रावत साहब ने अंतिम लेक्चरों में भी ये सब बातें हम सब लोगों के लिए छोड़ गए, तो आज उनको मैं बहुत ही अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और यह संकल्प लेते हैं कि यह दिवस हम लोग हर बार उनका स्मरण करेंगे। और आज उनका स्मरण इसलिए भी कर रहे हैं कि आगे उन्होंने बहुत सारी चीजें जो उत्तराखंड राज्य के बारे में सोची थी, जो विचार किया था, उन सबको कहीं ना कहीं हम आत्मसात करें। उन्होंने जो जीवन में काम किए थे, जिस प्रकार का उनका जीवन था, वो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है, प्रेरणा का कारण है, हमारे लिए एक रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, उन सब पर चलेंगे। और जनरल साहब भले ही दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो गए, हमेशा के लिए हमारे सबके विचारों में रहेंगे, हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारी स्मृति में रहेंगे। और हम सब कोशिश करेंगे कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलें, और उत्तराखंड के जवानों के लिए, उत्तराखंड के हमारे बहुत सारे स्थलों के लिए, बागवानी के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों के विकास के क्षेत्र में उनकी बहुत सारी कल्पनाएं थी, उसके बारे में हम लोग संकलन करेंगे, उसमें भी आगे बढ़ेंगे। तो पुनः एक बार मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और वो हमेशा हम लोगों के लिए इसी प्रकार से प्रेरणा के कारण बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी ने बहुत सारे संस्मरण बिपिन रावत जी के साथ के सुनाए, और यहाँ पर भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनके स्मरण होंगे उनके साथ के। हमारे बीच में यहाँ पर नगर महापौर सुनील लाल गामा जी भी हैं, मान्य विधायक सविता कपूर जी भी हैं, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी हैं, चंद्रपन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी हैं, हिरेंद्र चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता अपने जोशी जी हैं, केदार जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र बिष्ट जी हैं, अनिल कपूर डब्बू जी हैं, और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता हैं। राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलून जी भी, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पर हैं। कई लोग भी कुछ उनके संबंध में कहना चाह रहे होंगे, लेकिन समय का अभाव है। मैं अब सभी लोगों से